जब ये कराची आया था इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाने में जो है बिरयानी बीफ कौरमा और ये है जी उस टेबल की हालत जिस टेबल पे मैं बैठा हुआ था और पता नहीं क्या सूरत हाल थी। मैं तो बाद में मंगवा के थोड़ा सा खाया और भी खाना नहीं गया यहाँ से उठ के। ये है जी मीठा बना जी आप लोगों को मैंने बोला था दावत में आना, दावत में आ चुके हैं सारे मेहमान बैठे हैं। माशाल्लाह जी गुलशन के कॉर्नर पे सैयद मलंग आगा होटल पे समोसे पे शुरू हो चुके हैं ये हमारे कार्य। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का ब्लॉग शुरू। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का ब्लॉग शुरू। इस टाइम बुखार बहुत तेज़ चला, फिर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ वो पता कि आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मेरी तबीयत सही है या ख़राब है। कल डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था कि आपके अंदर आप में जो है डेंगू के सिम्टम्स हैं कुछ ये है वो है बहुत। उसने बोला, मैंने बोला कि दो दिन आप मेडिसिन खाएं उसके बाद अगर नहीं आराम आता तो आप टेस्ट वगैरह करवा लें। चलें जी इंशाल्लाह। मैंने रात के लिए शादी में गया था, शादी में कहाँ गया था, आ गया हूँ और वापस आ गया बस। तो जब कपड़े पहन के गया था मैंने उतार दिए थे, आधे जुम्मे के लिए भी वही पहन लूँगा, आज फिर वही फंक्शन शादी के दो आज कल भी ये फंक्शन शायद जाना हुआ तो वही कपड़े पहन के जाऊँगा। भाई जाहिर सी बात है हमारे कपड़े हमने पहनने हैं, किसी को दिखाना थोड़ी है। चाहे तीनों एक ही सूट पहन लें, थोड़ी देर के लिए पहन उतार दें, फिर देर के पहले पहन उतार दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो खैर आज वो नहीं पहनूंगा, कोई और पहन लूँगा थोड़ी देर के लिए, वरना परसों के लिए ऐसा कुछ करेंगे, देखेंगे शाम तक होता है क्या। अब इंशाल्लाह अम्मी शेख बना रही हैं आज, अभी पीते फिर बताते हैं आपको। आज तो नमाज भी घर भी पड़ी, हालत नहीं जाने की, तो भी आप शेख आ जाए ना रहे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सेब का जूस आ चुका है, थोड़ा थोड़ा काला काला होने लग गया। मैंने मेरे ख्याल से अभी बना के रख दिया था, बना दिया जूस पीते हैं इंशाल्लाह। नाश्ता रेडी हो रहा है, नाश्ता भी मेरा बिल्कुल नरम गज़ा है भाई, खिचड़ी वगैरह, देखते हैं अभी क्या बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता तैयार है जिसमें पानी और खिचड़ी और दूध डाला हुआ खिचड़ी में खाते हैं और देखते हैं क्या करना, निकलता हूँ बाहर की तरफ। हाँ जब ये कराची आया था इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, अब देखो इसकी आवाज़ ही निकल रही। शर्मा रहे हो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सेठ साहब पंखा साफ करते हुए फुल तपे हुए हैं इस टाइम, पंखा साफ कर रहे हैं इस टाइम। इसकी हवा बहुत आतंक है, बहुत ज़बरदस्त है इस पंखे की हवा। जुम्मे की तैयारी जारी होने लगी है, अभी डेट तो हो गया है और बयान चल रहा है, तो अभी इंशाल्लाह मैं जल्दी से जाऊंगा, जो कपड़े पहने में इन्हीं में ही जाऊँगा। शेर साहब अबू का भी फ़ोन आया था मेरे पास के पंखे साफ़ करवा देना कर लेना, तो अभी कर रहे हैं साफ, तो अभी मैं जा रहा हूँ जुम्मे के लिए, आपको दिखाता भी हूँ। भाई जितनी तेज़ पंखा चलता है उतनी तेज़ सब्सक्राइब भी होने चाहिए ना यार। खैर अभी इन्हीं कपड़ों में जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं चेंज कर सकूँ या किसी भी। कपड़े गंदे तो नहीं हैं, मैं पहनता हूँ उतार देता, पहनता हूँ उतार देता, बीमार पड़ा हूँ तो कभी उतारी भी होती है अमूमन मैंने। अभी मैं निकल रहा हूँ फौरी तौर पर मस्जिद में, क्योंकि दो हफ्ते ऐसे हो गए हैं कि मैं जिस टाइम खुतबा शुरू होने वाला होता है या अज़ान शुरू हो रही होती है जिस टाइम मैं जा रहा होता हूँ जुम्मे में, अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा डायरेक्ट मस्जिद। तो इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ते हैं वापस आते हैं फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मा पढ़ के मैं घर पर आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब भी कोई चीज़ नई ख़रीदता हूँ या कुछ भी होता है ना सीन, तो मैं उस नई चीज़ पे तीन दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक देता हूँ। अगर मेरे जिस्म पे कोई भी कीड़ी या दाना वगैरह निकले उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक लगा देता हूँ उसके ऊपर, अपना छाल वाली उंगली पे लगा के, तो अल्लाह उसको सेहत दे देता है, इतनी शिफा है। पर उसके लिए ऐसा चीज़ होती है यकीन, कि अल्लाह पे यकीन रखना। जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना ये एक सुन्नत है। सबसे पहले सदका फिर दो रकअत नफल, उसके बाद जाके कहीं तीसरा नंबर डॉक्टर का आता है और हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस दीन के रास्ते पे नहीं था ना तो मैं बहुत सी जगहों पे जाता था, पूरे पाकिस्तान में जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम ऐसे हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर उस टाइम पे अलग तरीके से होते थे, अब अलग तरीके से होते हैं।
तो अभी मेरे पास जो शहद है तबीयत ख़राब है, कहते सुन्नत अमल ये भी है कि यकीन के साथ शहद जो चाटेगा तो अल्लाह उसको शिफा याब कर देगा। तो अभी डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि आपके सिम्टम्स कुछ थोड़े बहुत आ रहे हैं, डेंगू के आ रहे हैं, डेंगू भी आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, सरगोधा से आया था ओरिजिनल शहद ये है जी, शहद सरगोधा से। ये बड़ी मक्खी का शहद है मेरे ख्याल में, छोटी मक्खी का नहीं है। तो इंशाल्लाह भी मैं इसको चाटने लगा। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे जो जंगली शहद बहुत पसंद है वो है वादी कलाश से, मेरा दोस्त जरताज वो भेजता है मेरे पास, कभी कभी खुद जाके लेके आते हैं। और ड्राई फ्रूट वगैरह जितनी भी चीज़ें हम लोग जब वहाँ जाते हैं वहाँ से लेके आ जाते हैं, पर अभी तो इतना फास्ट इतनी जल्दी टूर लग नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान के हालात हम सबके सामने हैं। लगा लेंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, आपको डेली रूटीन मिलती रहेगी मेरी इंशाल्लाह, मैं जल्दी नहीं चाहता हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, बस अभी शहद चाटते हैं। और मैं आपको एक वाक्य भी सुनाऊँगा इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह, कभी शहद चाटूँ थोड़ा सा फिर देखता हूँ क्या करना क्या नहीं। अलहमदिल्ला जी शेर साहब ने इतने ज़बरदस्त पंखे साफ किए हैं, अभी जाकू की तरफ से फ़ोन आया कि कज़न को छोड़ के आने यासीनाबाद तक, उनको छोड़ने जा रहा हूँ, वापस आता हूँ फिर देखते हैं दुकान पर जाकर कोई कुछ बैठ पर या कई और काम करते हैं देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार अपने ब्लॉग में ना किसी से कुछ कुछ सवाल भी पूछूँ ताकि ब्लॉग थोड़ा सा फनी भी हो। शाहरा जी गुलशन के कॉर्नर पे सैयद मलंग आगा होटल पे समोसे पे शुरू हो चुके हैं। ये हमारे कारी साहब है, फर्स्ट टाइम जब से मैं आया हूँ जमात से, पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सड़मा से जोड़े शे बखैर। अभी इसके बाद सोचो तो भाई ये कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल तो टूट चुका है, तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह इस कारण किस तरह कहाँ से मोबाइल जल्दी मिलता है, हमें इसका जवाब देखते हैं किस तरह से कहाँ से मोबाइल मिलता है, कहाँ से मोबाइल मिलता है किस तरह, अभी जाके देखते हैं भाई के साथ जाना जाना निकल लगे चल रहे हैं पे खड़ा जा रहे हैं मारे हम इसको खड़ा करते हैं यहाँ पे तो चलते हुए हमें जा रहे हैं चलो मोबाइल देखते कहाँ से मिलता है कहाँ नहीं, जाके देखते हैं क्या सूरत है, हालात तो कहाँ से नहीं बताते हैं। परहेज किस चीज़ का, मैं आया हूँ अभी दुकान देखने गए थे, दुकान बंद पड़ी हुई है किस्तों वाली की, हाँ तो इसमें स्ट्रिंग फ्री वाली दो एक हमने लिए मेरे लिए पीते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अकेले कुछ भी नहीं करता, वो एक ही आ रहा था, मैंने कहा नहीं भाई तू साथ पिएगा तो पियेंगे बनना नहीं, एक का क्या फ़ायदा, फिर उसने लिए भी खोली पीते हैं फिर निकलता हूँ सबकी तरफ यार। अलहमदिल्ला मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ऐसे ही हैं, देखिए ऐसा कोई भी नहीं बैठने देता, कहीं भी नहीं बैठने देता, सब भरोसे वाले लोग इतने भी हैं अलहमदिल्ला, बैठा हुआ हूँ काउंटर के अंदर सब कुछ, जैसे मोबाइल मार्केट कहीं पर भी चले जाओ, हर हर फील्ड में अलहमदिल्ला मेरी फ्रेंडशिप है, हर फील्ड में मेरे दोस्त हैं, कोई उनके पाकिस्तान में भी दोस्त हैं, और हर जगह आना जाना भी होता है, अब तो वो कम कर दिया जब से दीन के रास्ते पर अल्लाह ने चलाया है, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वक्त को जितना कीमती बनाया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है, कि अपनी ज़िंदगी को बच्चों की तरह अगर हम गुजारना शुरू करते हैं ना तो बच्चे को आप देखें जब सो नहीं रहा होता ना, सोने के अलावा हर टाइम किसी न किसी काम में लगा रहता है, पूरा सोच के देखिए जी मैं बैठा हूँ थोड़ी देर इसके बाद बैठूँगा फिर मैं जाऊँगा घर पर, और घर पर भी शेर साहब ने मुझे पंखे साफ कर दी, और कभी तबीयत कुछ बेहतर है पर अंदर ही समय ना बुखार बुखार तो है, पर मैं ना ज़्यादा देखता नहीं हूँ कभी, हाँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो शायद देखना पड़ जाए, इतना बहुत मुश्किल है, फिर देखते हैं आप क्या करना। जी आप लोगों को मैंने बोला था दावत में आना, दावत में आ चुके हैं, सारे मेहमान बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह यहाँ से घर जाते हैं तो फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ, दो बातें बतानी है वो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह घर पहुँच के, तो इंशाल्लाह घर जाके फिर देखते हैं क्या करना है जी क्या नहीं करना है इंशाल्लाह, अभी तो आगे दावत में हम इंशाल्लाह घर जाएंगे फिर मैं आपको क्या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाने में जो है बिरयानी बीफ कौरमा और ताफ्ता नान और रोस्ट किया हुआ चिकन है, ये खाते हैं इंशाल्लाह फिर जाते हैं घर की तरफ, अभी मीठा भी आ चुका है, मीठा भी आपको बाद में दिखाएंगे। ये है जी उस टेबल की हालत जिस टेबल पे मैं बैठा हुआ था, और पता नहीं क्या सूरत हाल थी, मैं तो बाद में मंगवा के थोड़ा सा खाया और भी खाना नहीं गया, यहाँ से उठ के चला अबे मेरी टेबल है, पानी ले आओ यार पीने का यार कसम से, कुछ भी नहीं इतना खाया आपके सामने ही है सब कुछ, मैंने जो दिखाया वो जो प्लेट सजाई हुई थी वो भी पूरे
میں نے نہیں کھائی, میری بہن والی اور میں نے کھائی ہے مل کے, وہ بھی تھوڑی سی, وہ بھی ویڈیو بنانے کا موقع ہے اس لیے فلیش آن نہیں کر سکا میں نا. تو یہ دیکھیں کیا صورت حال ہے, یہ دیکھیں سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے اور ڈینگی ڈینگی باقی پانی لیا. تو ہم دونوں کمزور لوگ بیٹھے ہوئے جن کے پاس ایک گریڈ آئی جنہوں نے تھوڑا بہت الحمد للہ اللہ کا شکر کیا. دیکھیں سب کچھ منڈ وغیرہ منڈا کہ سب مجھے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سب مولوی نے کھایا, یہ ہم دونوں بیٹھے ہیں بےچارے تھوڑے بہت میں ہم دونوں نے ایک گریڈ کو گزارا کیا اچھے طریقے سے, ابھی ایک گریڈ نہیں ہم نے سب کچھ ڈال لیا تھا, ابھی میٹھا منگوایا ہم نے, ابھی تک پہنچا نہیں ہے, آنے والا ہوگا ان شاء اللہ وہ کھاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سارے ماشاء اللہ مولانا بیٹھے تھے ایسے, تو اس طرح ہی کھایا گیا ہمارے سے, یہ دیکھ رہے مولانا ایسے مولانا بیٹھے ہوئے تھے سارے, یہ ڈینگی ہمارا ساتھ بیٹھ ڈینگی ڈینگی اچھا پانی تو لیا یار جا کے, دیکھیں اپنے نام کو پہچان تھا ماشاء اللہ, ڈینگی پانی لیا یار. یہ ہے جی میٹھا بنا ہوا, اور بہنوئی نے تو دو تین چمچیاں پہلے لگائی اور وہ چلے گئے, بھی سسٹر کا فون آ گیا تھا, بھانجی تنگ کری تھی تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی آئے ہیں وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ, میں بھی تھوڑا بہت ٹیسٹ کر لوں یار, ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے تھوڑا بہت کھایا اور ابھی بھوک ساری باقی ہے, ہم تو پھر بھی تھوڑا بہت ہی کھائیں گے بھائی, یہ کھاتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر یہاں سے. الحمد للہ جی میں گھر پہ پہنچ چکا ہوں اللہ کا شکر ہے, رات کے 12:20 ہو چکے ہیں, تو بہت لیٹ ہو چکا, آج بلاگ ابھی ختم کر رہا ہوں میں, تو بلاگ کا آج کا ان شاء اللہ یہیں اینڈ کرتے ہیں. تو آج یہ سین ہوا کہ پورے دن کی صورت حال آ کے میرے صاحب کے سامنے میری, اور آج نا مغرب کی نماز پڑھنے جب میں گیا تو وہاں اتنا رش تھا, مسجد پوری بڑی ہوئی تھی نا ایسے جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے, پتہ چلا کہ نکاح کا ٹائم ہے, نکاح کسی کا اس لیے بہت رش ہے. تو بھائی دل سے دعائیں نکلی تھی یار, کاش ایسی مسجدیں بھری ہوں, ہر سب نے نماز بھی پڑھی, نماز کے بعد نکاح ہوا, نماز تو نے پڑھایا, اور یہ بات بولی امام صاحب نے جیسے آپ نے کل, کیونکہ کل بھی نکاح تھا, کل بھی میں دعوت میں گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوا کل کے بلاگ میں, تو دیکھیں کہ امام صاحب نے یہ لکھا ہوا تھا, یہ بولا ہوا تھا, اس کے امام صاحب نے یہ بولا کہ نا باہر جا کے پلیز گولڈ مکانی کیا کریں, کیونکہ ہم جو ثواب کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بجائے ثواب کے گناہ میں نہ تبدیل کیا کریں. تو دیکھا تو باہر آ کے پلیز گولڈ مکانی شروع ہو گیا, پر یہ پلیز یہ ختم کیا کریں, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, یہ شادی ہم نے نام جات کی ہے, اصل چیز ہے شادی, سادگی سے کہی جائے یہ سب چیزیں, تو ہر چیز ہوتی ہے, ہر چیز خاندان میں ہوتی ہے. پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نا میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ جو ہے نا میں اپنی کوئی بھی چیز نہیں لیتا یا کچھ بھی کرتا ہوں, اس میں تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتا ہوں, اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ چیز کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح اس سے پہلے موبائل, جس موبائل پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, اس سے پہلے جو موبائل تھا میرا, میں اور میرا چھوٹا بھائی سیٹ صاحب ابو ہریرہ اس کا نام ہے جو ڈیل ہے, ہم بیٹھے بیٹھے ہائی وے پہ بیٹھے بیٹھے, تو کافی اونچائی پہ بیٹھے ہوئے تھے, پل ہے نا ہائی وے والا, نیا ایکسپریس والا, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ہائی روف والا آیا, اس نے لائٹ ماری, لائٹ مارنے کے بعد وہ ہمارے پاس آیا, اس نے پسٹل نکالنے کا اشارہ کیا اسنیچنگ کرنے, تو اس نے نا وغیرہ نے سیٹ صاحب نے نیچے چھلانگ مار دی, اور اس کے پاؤں پہ تھوڑی سی موچ ٹائپ آ گئی, وہ تو ہوئی شور کرنا شروع کر دیا اور بہت برا گرا وہ نیچے نا, تو میرا موبائل انہوں نے میرے ہاتھ سے لیا اور چلے گئے. میں تھوڑا سا پریشان ہوا, وہ رہا کہتے یار تیرا تو موبائل چلا گیا, کیا ہو گیا یہ ہوگا, میں نے کہا یار حلال کی کمائی رہا تھا, اللہ نے واپس کرنا, واپس آنا ہوا تو آ جائے گا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں نے کال کی اپنے موبائل پہ تقریباً 5 منٹ بعد, میرے بہن بھائی بھی گھر پہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا موبائل ہم نے غلطی سے لے لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو آپ نا اپنا ہوٹل پہ آ جاؤ, پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, باسی ہوٹل پہ تھا کون سا ہوٹل بولا ہم نے, تو آ کے نا موبائل لے جاؤ اپنا. تو ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار ہم جائیں تو ہم سب کو بھی نہ لوٹ لیں وہ لوگ, تو ہم نے ساری جیبیں خالی کی, ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ. بھائی وہاں پہ ہوٹل والا آیا, وہ کہتا کہ یار کاروباری لوگ لگ رہے تھے شکل سے بھی, بہت اچھے لوگ لگ رہے تھے, تو آپ ایک کام کریں یہ موبائل لے جائیں اپنا, تو بہت اچھے لوگ وہ ماں وغیرہ بھی کھڑے تھے, وہ رکے بھی نہیں وہاں پہ موبائل دے کے چلے گئے. یہ ہوتی ہے جی آیت الکرسی کی برکت, اللہ نے موبائل میرا واپس دلوا دیا تھا, پہلی دفعہ ایسا بھی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ, الحمد للہ اللہ نے میری مدد کی تھی, کیوں کہتے ہیں نا جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں ان سب کا دار المدار ہوتا ہے نیت پہ, حدیث کا بھی فرمان ہے جتنی نیت اچھی ہوگی آپ کی اللہ اتنے آپ کے کام آسان کرے, تو کوشش کیا کریں کوئی بھی چیز نہیں لیں, کچھ بھی کریں آئے کچھ پڑھ کے پھول دیا کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا, اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, میرے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں, لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. Oh.